दुर्गा की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। 24 अक्टूबर तक चलने वाली नवरात्र के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। श्रद्धालु मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे। वैसे नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना से मानी जाती है, इसके लिए मुहूर्त का खास महत्व है। बिना घट स्थापना के नवरात्र की पूजा सार्थक नहीं मानी जाती। घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना गया है। इस दौरान कलश स्थापित किया जाता है, मां की चौकी सजाई जाती है। इस बार घट स्थापना के दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त हैं। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर आप देख सकते हैं, मां दंतेश्वरी के आप दर्शन कर सकते हैं। चूंकि कोरोना संकट काल है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर में भक्तों को आने के लिए वर्जित रखा है। किसी भी प्रकार से भक्तों को आने का अनुमति नहीं दी गई है, और जिसको लेकर यहां पर भक्त नहीं पहुंच रहे हैं। भक्तों की आस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने आरती का लाइव प्रसारण भी रखा है, और चूंकि कोरोना संकट काल है, भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो घर बैठे अपने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी बताएंगे कि आज पहला दिन है नवरात्रि का, माता के किस स्वरूप का पूजा की जा रही है और किस तरीके से पूरा विधि विधान है? आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ भगवती का यहाँ विधि पूर्वक पूजा होगा, कलश स्थापन पूजा होगा। अब जिला प्रशासन का तो निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, और अभी ये पास का सिस्टम किया गया है, और जिनके पास पास है वो तो दर्शन के लिए आएंगे। मंदिर में कोई चीज भोग प्रसाद वगैरह नहीं मिलेगा, आएंगे दर्शन, दर्शनार्थी टीका अपने हाथ से लगाएंगे, दर्शन करेंगे, तुरंत निकल जाएंगे। कुछ जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनसे जानते हैं कि दादा बस्तर में नवरात्रि खास होता है, बस्तर की आराध्य देवी है मां दंतेश्वरी, उनके दर्शन करने सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, इस बार दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने कवायद जरूर की है कि लाइव प्रसारण जो है आरती का दिखा रहे हैं, कितना सही मानते हैं इसे? राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने बस्तर जिले में मां दंतेश्वरी के दर्शन हेतु यहाँ के मंदिरों को खोला गया है, जबकि अन्य राज्यों में मंदिरों को नहीं खोला गया है। यहाँ पे जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने जन भावनाओं का सम्मान किया है, और जितने भी बस्तर जिले के जनता है समस्त लोगों को दर्शन के लिए यहाँ पे, क्योंकि बस्तर में मां दंतेश्वरी के प्रति सब में बहुत अगाध आस्था है, इसलिए सभी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। मैं जगदलपुर की समस्त जनता की ओर से जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को इसके लिए धन्यवाद दें। भक्तों से ये आह्वान किया जा रहा है कि घर बैठे ही मां दंतेश्वरी के दर्शन करें, और नवरात्रि के 9 स्वरूप की जो पूजा होगी उससे हर एक स्वरूप की पूजा अर्चना साथ ही साथ आरती को लाइव प्रसारण कर जिला प्रशासन हर किसी को घर बैठने की अपील कर रहा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीय, बंसल न्यूज, जगदलपुर, मां दंतेश्वरी मंदिर। चलिए, तो मैहर में भी माता का नवरात्र शुरू हो चुका है, माता की सारी पूजा अर्चना की जा रही है। आपको लिए चलते हैं मैहर, एक बार नजर डालते हैं क्या क्या तैयारी है, किस तरीके से पूजा शुरू हो रही है, देखिए।